Hello student, as we have already discussing, we were discussing about qualitative method of measuring of surface roughness. उसमें जो है हम लोग जो देख रहे थे कुछ मेथड हमने देखे थे और कुछ जो है वो बच गए थे. जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था एक इंटरसेक्शन मेथड, ठीक है, जिसमें लाइट लाइट इंटरसेक्शन मेथड वो हम डिस्कस कर रहे थे. तो आइए देखते हैं लाइट इंटरसेक्शन मेथड होता क्या है, एक बार फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे. देखिए लाइट इंटरसेक्शन मेथड में अब वायर डायग्राम देखते हैं. यहाँ पे देखिए क्या होता है कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक ये क्या लाइट फोर्स है. लाइट फोर्स से क्या होता है कि जो आपकी नैरो लाइट बैंड होता है, ठीक है, यहाँ से नैरो लाइट जो है वो आपके वर्कपीस पे या जिसको भी जिस सर्फेस को आपको स्टडी करना होता है वहाँ पे ये इंसिडेंट होती है. देखिए जब इंसिडेंट एंगल जो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो दोनों सेम होंगे, तो यहाँ पे जो आप लाइट गेन करोगे, जो आप यहाँ पे आपके आंखों पे जो रोशनी आएगी है ना, जो आप लाइट पाओगे वो क्या होगा कि आप देख रहे होंगे, ये इसके किस केस में होगा, जब ये आपका फ्लैट होगा, जितना ज़्यादा फ्लैट होगा उतना कम रिफ्लेक्शन होगा, जितनी ज़्यादा ये सरफेस जो है रफ होगी उतना ज़्यादा स्कैटरिंग होगा, है ना, इंसिडेंट लाइट का. तो यहाँ से जो आप स्टडी कर पाओगे, यानी कि अगर जब आई इक्वल टू आर है तो आप क्या करोगे वहाँ पे, यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंस लाइट गेन करोगे, यानी कि ये आपके ब्राइट फील्ड हो जाएगी. और जब आप क्या करोगे कि आप रफ सरफेस जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पे उतना ज़्यादा स्कैटर लाइट गेन करोगे, तो इससे हम क्या होगा कि ये आउकुलर पे जो है ये आपको जो क्या नाम है माइक्रोस्कोप पे ये आपको दिख जाएगा कि आपकी जो है सरफेस रफनेस किस ग्रेड की है, उस हिसाब से आप सरफेस को जो है आराम से स्टडी कर पाओगे. तो ये जो है आपका क्वालिटेटिव मेथड में ये आपका हो गया क्या नाम है, ये है लाइट सेक्शन मेथड. अब हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरा जो है, हम पहले देख रहे थे इंटरसेक्शन मेथड, अब जो हमारा दूसरा मेथड होगा वो होगा इंटरफेरेंस मेथड. तो इंटरफेरेंस मेथड के बारे में जैसे कि आप लोग को पहले भी जो है हम लोगों ने इसके पहले वाले में नॉन डिस्ट्रक्टिव में भी वो इंटरफेरेंस मेथड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस जो है वो किया हुआ था. तो अब हम देखते हैं कि इंटरफेरेंस मेथड में क्या होता है. देखिए ये है आपका इंटरफेरेंस मेथड. इसमें क्या होता है कि जैसा कि जो ऑप्टिकल फ्लैट होता है ना, ऑप्टिकल फ्लैट को क्या करेंगे कि हम जिस सरफेस को हमको स्टडी करना होगा वहाँ पे हम ऑप्टिकल फ्लैट को क्या नाम है, एक ऑप्टिकल फ्लैट को प्लेस करेंगे और ऑप्टिकल फ्लैट के साथ साथ क्या करेंगे कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी वो हम सरफेस पे इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है. अब क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी क्या नाम है इरेगुलरिटीज होती हैं, जैसे कि आपकी वैली हो गई, आपका क्रस्ट हो गया, ठीक है, इनको स्टडी हम क्या किस में करेंगे, वेवलेंथ में करेंगे. जो हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी, ठीक है, वो इंटरफ्रेंस के बाद उसके वेवलेंथ में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, पहले क्या करेंगे कि हम जो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी, ठीक है, इसको क्या करेंगे ऑप्टिकल फ्लैट पे रखकर, जो है ऑप्टिकल फ्लैट को रखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है. अब जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी उसमें क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, और जो इंटरफेरेंस होगा उसके बाद जो आपको माइक्रोस्कोप पे मिलेगा वो क्या मिलेगा कि क्या नाम है, इंटरफेरेंस के बाद जो आपको एक पैटर्न मिलेगा, सरफेस का पैटर्न मिलेगा, ठीक है, वो सरफेस पैटर्न जो है आप उसको स्टडी करेंगे आपका इंटरफेरेंस, ठीक है. अब वो आपको वेवलेंथ के फॉर्म में जो है, जो भी चेंजेस सरफेस पे आपको कॉन्ट्यूर में जो भी चेंजेस नजर आएंगे या जो आपका सरफेस रफनेस होगा वो आपको वेवलेंथ फॉर्म में वहाँ पे माइक्रोस्कोप पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. और ये जो आपकी व्यतिकरण की पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, इनकी जो सरफेस पे जो रफनेस होती है उससे हम वो स्टडी कर पाएंगे, ठीक है. अब क्या होता है कि ये जो आपके ऑप्टिकल फ्लैट होते हैं ये मस्ट है कि इनकी जो क्या नाम है एक्यूरेसी है वो बेहतर होनी चाहिए जो यहाँ पे इस्तेमाल किए जाएंगे. उसके अलावा आप देखेंगे तो 2 माइक्रोमीटर के आसपास जो है वो क्या नाम है 0.6 माइक्रोमीटर की जो है हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है और 2 माइक्रोमीटर तक की हम रफनेस जो है इस मेथड से मेजर कर पाते हैं. नेक्स्ट मेथड हमारा है स्टाइलस मेथड. तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा बताया था कि स्टाइलस क्या होता है, एक तरीके की जनरली क्या होती है, ये एक हाई स्ट्रेंथ जो है वो निडल होती है, ठीक है, इसमें जिसको आप स्टाइलस बोलते हैं, यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ना यही स्टाइलस है, ठीक है. और स्टाइलस के साथ साथ जुड़ा होता है एक स्किड. स्किड का काम क्या होता है, स्टाइलस को सपोर्ट देते रहना, लेकिन
हाँ स्किड और स्टाइलस, एक तरीका स्टाइलस ही स्किड हो, जो स्किड होता है वही स्टाइलस होता है, अभी आगे और डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है जो आपको कि जो आपकी सरफेस होती है उस पर ये स्टाइलस जो है धीरे धीरे मूव कराया जाता है, ठीक है। फोर्स फोर्स अंडर प्रेशर जो है स्टाइलस पे प्रेशर डाल के उसको सरफेस के जो भी आपकी जिस शेप की सरफेस होती है, अगर मान लीजिए फ्लैट सरफेस है, कर्व सरफेस है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम डिज़ाइन करते हैं और उसी के उसको टच करता हुआ जो है ये स्टाइलस मूव करता है, और मूव करके जो उसका एक्चुअल टेक्सचर होता है उसको ट्रेस करके और हमारा जो है वो ग्राफ पे उसको बना देता है। एक रिकॉर्डर होता है जो उस इसके क्या नाम है मोशन को रिकॉर्ड करते हुए ग्राफ पे उसको बना देगा, ठीक है। अब क्या होगा जो हमें ग्राफ पे मिलेगा उसको क्या, देखिए इतना छोटी छोटे जो है हमारे क्या नाम है रफनेस होते हैं, तो उनको अगर हम ग्राफ पे विदाउट मैग्नीफिकेशन हम क्या नाम है ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे, या हम ड्रॉ करेंगे तो हमको दिखेगा ही नहीं, तो इसके लिए हमको मैग्नीफिकेशन की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होता है कि मैग्नीफिकेशन यूनिट होती है जो अराउंड 1000 से लेके और लाख तक का मैग्नीफिकेशन जो है वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल मैग्नीफिकेशन, और 20 से लेके 200 तक हॉरिजेंटल मैग्नीफिकेशन वो आपको देगी, ठीक है। उसके बाद जो रिकॉर्डेड ग्राफ होगा उस पर आपको ये पूरा ड्रा हो जाएगा आपका सरफेस जिसकी आप रफनेस देख रहे हैं। अब देखिए इसमें मेन कुछ पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में ये नीचे आपको डिटेल में दिया गया है। पहला है हमारा एक सरफेस, ऑब्वियस सी बात है सरफेस होगी, स्टाइलस होता है, मेजरिंग फोर्स होता है जिससे जो स्टाइलस पे वर्क करता है, ठीक है। और हर सरफेस के लिए रिक्वायर्ड फोर्स अलग अलग होती है टफनेस के हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा स्पीड ऑफ स्पाइलस, जिस स्पीड पे स्टाइलस मूव करेगा वो भी निर्धारित होती है, ठीक है, उसको भी कंट्रोल में रखा जाता है इसका स्टाइलस स्किन। और इनको ड्राइव करने के लिए डिफरेंट जो है मैकेनिज्म होती हैं, डिफरेंट मोटर्स या और कई चीज़ें होती हैं, मैनुअली भी होते हैं, मोटर्स भी होते हैं, उसके अलावा एम्पलीफायर और रिकॉर्डर होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनकी हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है। पहला अगर हम देखेंगे सरफेस, तो देखिए सरफेस के अकॉर्डिंग ही जो है वो हम स्टाइलस को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि जो भी स्टाइलस का साइज होगा, स्टाइलस की जो टफनेस है वो कितनी होगी, कॉन्ट्यूर क्या होगा, जैसे ये नीडल है ना इसका कॉन्ट्यूर नीचे की तरफ किस शेप का होगा, ठीक है, कितनी उसकी क्या नाम है डायमीटर होगी, ये सब चीज़ें हम जो भी सरफेस हम मेजर करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें, अगर हम दूसरा बात करें तो स्टाइलस, स्टाइलस का सिलेक्शन जो होता है, देखिए सब कुछ तो स्टाइलस ही है, जो जितना आपको क्या नाम है सरफेस का एक्चुअल टेक्सचर जो है वो स्टाइलस के मूवमेंट पे ही आपको मिलता है। तो स्टाइलस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि कहीं कहीं फ्लैट स्टाइलस हो गए, कहीं कहीं आपको क्या नाम है नीचे आपको जो नीडल मिलेगी वो क्या नाम है स्फेरिकल मिलेगी, या क्या नाम है आपको सिलेंड्रिकल मिलेगी, तो वो अलग अलग टाइप के स्टाइलस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्टाइलस है ना, ये जो आपको इसका आपका स्टाइलस का जो आपको सिरा दिख रहा है वो यहाँ पे शार्प है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टाइलस होते हैं, यहाँ पे आपको जो है फ्लैट मिल जाएगा। तो इस हिसाब से अलग अलग तरीके के जो है स्टाइलस होते हैं, और जो है स्टाइलस की जो नोक होती है, ठीक है, वो अलग अलग नोक जो है वो अलग अलग जो है जो वेट है या भार है वो सहन कर पाती है, ठीक है। अब जनरली जो है स्टाइलस की नोक सॉरी वो अराउंड 0.01 to 5 mm के आसपास वो रखी जाती है, और वेट 1 से 2 ग्राम के आसपास जो है होता है। सबसे बड़ी बात है कि स्टाइलस जो है हमारा सिलेक्शन इस प्रकार से होना चाहिए कि जो इसका वेयर रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द दैट सरफेस फॉरवर्ड इट इज गोइंग टू मेजर, तो वो जो उसका आपका वियर रेजिस्टेंस होता है सरफेस का स्टाइलस का वो अच्छा होना चाहिए, वरना क्या होगा कि आपका स्टाइलस जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि जो एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो भी हम स्टाइलस जो भी मेटल का जिस तरीके का स्टाइलस यूज कर रहे हैं वो डाटा जो हमको मतलब प्रोवाइड करा रहा है वो बहुत एक्यूरेट डाटा जो है उसकी जो क्या नाम है सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मेजरिंग फोर्स, देखिए क्या होता है अगर हम मेजरिंग फोर्स की बात करें तो सरफेस के हिसाब से हम जो है वो प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे कि स्टाइलस जो है वो सरफेस के कांटेक्ट में रहे, ठीक है। अब जैसे जैसे वहाँ पे जिस तरीके की रफनेस होगी उस हिसाब से जो है हम फोर्स को चेंज करते रहेंगे, या हम उस हिसाब से रिक्वायर्ड फोर्स का क्या नाम है
रिक्वायर्ड फोर्स की जो कितना अमाउंट हमें फोर्स अप्लाई करना है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ स्टाइलस। स्पीड ऑफ स्टाइलस में जो है जिस तरीके से, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आपकी फ्लैट सरफेस, वहाँ पे आप स्पीड ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आपकी सरफेस जो है कर्वेचर वाली है तो उसके हिसाब से जो है आपको स्पीड जो है वो क्या नाम है स्टाइलस की रखनी पड़ेगी। मान लीजिए आप कैम या गियर के टीथ की मेजरमेंट कर रहे हैं या वहाँ पे आप देख रहे हैं रफनेस कितनी है, तो उसके हिसाब से जो है वहाँ पे आपको क्या होगा कि स्पीड को मैनेज करने में जो है थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम डेटम लेवल के रेफरेंस में जो है वो गति को सेट करते हैं। तो इस हिसाब से जो है ऐसी सतहों में क्या होता है कि हम जो भी इसका रफनेस का एम्पलीट्यूड होता है उसके हिसाब से जो है हम एडजस्टमेंट बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्टाइलस स्किड। स्टाइलस स्किड देखिए क्या होता है कि अगर हम स्टाइलस स्किड की बात करें तो ये मान लीजिए हमारे पास स्टाइलस है, ये स्किड हो गई। स्किड क्या करती है, स्टाइलस को सपोर्ट करती है। सेम स्टाइलस की तरीके ही होती है, बस क्या होता है कि इसका जो आपका नोज डायमीटर होगा वो आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। नोज डायमीटर स्टाइलस स्किड का जो व्यास होगा वो लगभग 5 से 50 mm के आसपास होता है। और ये मे बी आपको यहाँ पे चपटा दिख रहा है, यहाँ पे गोल दिख रहा है, कुछ भी शेप का हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अगर आपकी सरफेस एकदम फ्लैट है तो ये चपटा वाला रखेंगे, अगर सरफेस में ज़्यादा रफनेस है तो हम इस तरीके का जो है स्टाइलस स्किड रखते हैं। ये बेसिकली क्या होता है स्टाइलस को सपोर्ट करने के लिए होता है कि जिससे मूवमेंट जो है वो स्मूथ होती रहे। अब देखिए इसका जब डायमीटर ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, उस जो आपके छोटे क्रेटर्स होते हैं उनमें ये नहीं जाएगा स्मूथली, ये आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। जबकि स्टाइलस का डायमीटर कम होता है तो ये हर एक कॉन्ट्यूर में जो है अंदर तक जाएगा और उसका जो भी कॉन्ट्यूर होगा हमारे क्या नाम है वैली या क्रेस्ट का, वो कॉन्ट्यूर ड्रॉ करता हुआ जो है वो आगे बढ़ेगा और उसको हम आसानी से रिकॉर्ड करके पेपर पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा ये है कि ड्राइविंग मैकेनिज्म कौन सी है, मतलब कि हम मैनुअली ड्राइव कर रहे हैं, मोटर के थ्रू ड्राइव कर रहे हैं, या फिर फ्रिक्शन ड्राइव है, किस तरीके की ड्राइव है, वो हम जो है उसको भी हम स्टाइलस में सेलेक्ट करेंगे इस मेथड में। तो हम क्या करेंगे कि आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि जो मैकेनिज्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो हाइड्रोलिक है। देखिए डिफरेंट टाइप की होती है, मैग्नेटिक प्लेट ड्राइव होती है, सिंक्रोनस मोटर हो गया, ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसका हम इस्तेमाल स्टाइलस के मूवमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। एम्पलीफायर जो है, एम्पलीफायर का काम ही होता है कि जो भी स्टाइलस का कंट्यूर रीड कर रहा है उसको एम्पलीफाई करके बड़े लार्ज स्केल पे एम्पलीफिकेशन देके उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डर का काम क्या होता है, जो भी कंट्यूर स्टाइलस द्वारा रीड किया जाता है उसको ड्रॉ करना। तो ये बेसिकली कुछ जो है ये आपका तीसरा तीसरा मेथड हो गया स्टाइलस मेथड, ठीक है। अब स्टाइलस मेथड में क्या होता है कि कुछ स्टाइलस इंस्ट्रूमेंट है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि टेलीसॉप वगैरह जो है इंस्ट्रूमेंट ये क्या होते हैं, ये आपके एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।